की ऑडियो जो वायरल हुई है उसमें नेताजी स्पष्ट कर रहे हैं कि आपने तहरीर किससे पूछ कर दिया, उसको बोलने का चांस ही नहीं दिया जा रहा है, और उनके दबाव बनाया जा रहा है कि आपको एसपी से आपका एफआईआर करवा दिया जाएगा, आपको जेल करवा दिया जाएगा। और जब तहरीर देता है तो नेताजी उसको फोन करके धमकियां देने का काम करते हैं। आप किससे पूछकर तहरीर दिए हो? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो आपसे पूछकर मारे थे। बड़ी बात तो ये है कि बावसीर सबको है लेकिन कोई बता नहीं रहा है। अभी हाल ही में आपसे अनिल राजभर मिले थे, जो बताया जा रहा था कि इस प्रेसवे पे आपकी मुलाकात हुई थी, क्या खास बात थी? देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो कैबिनेट मंत्री है वो हमारे जैसे एक नौजवान साथी का जो है कि दुख सुनने के लिए, जो जनता का हम दुख लेकर गए थे उनके पास, जो समस्या ले गए थे अपने रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से, तो उनको जैसे पता चला तो गाड़ी अपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे रोक दिए, और रोक कर माननीय श्री अनिल राजभर जी ने फ्लाईओवर के नीचे हम लोगों से अकेला में बात किया। ये भी देखिए हमारे प्रधान जी गौरा के भाई नहीं थे, हम भाई गोविंद राजभर जी ये भी थे, हम लोग वहाँ पे और भी हमारे नेता भी थे, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर गए थे, उस हाईवे पे रोककर एक एक समस्या से अवगत हुए और अधिकारियों को आदेश किए, और तत्काल अधिकारियों से बात करके निस्तारण हेतु उनको जो है कि बोलने का काम किया। बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से नेता होना चाहिए, जो नेताओं की बात सुने, जो नेता हमारा जैसे नेता अगर क्षेत्र की समस्या को लेकर जा रहा है उसकी समस्या को सुनी जा रही है, तो निश्चित रूप से हमारा भी सीना चौड़ा हो रहा है कि चलो हमारे सबसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारी पूंजी है, उनका काम तो हो रहा है। यानी कि जन समस्याओं के लिए खास मुलाकात था? जी जी जी, अपने लिए नहीं था, अपने लिए पर्सनली कोई नहीं, नहीं नहीं, ये हमारे क्षेत्र की जनता का समस्या था, कुछ हम लेकर गए थे जी। और अभी आपके द्वारा एक वीडियो जो दिख रहा है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो विधानसभा जोहराबाद का है, जो ओम प्रकाश राजभर के जो है अभी वहीं के पार्टी के कार्यकर्ता है, जो विद्रोह काफी मचा हुआ है, क्या वो बात है जो आपके भी चैनल पर हम देख रहे हैं कि वीडियो पड़ा है? ये तो जोहराबाद की जनता भी जान रही है। देखिए, अमेरिका राजभर है, सेक्टर अध्यक्ष है। अच्छा। वो जो नौजवान है, बताइए वो नौजवान अपना जवानी बर्बाद कर रहा है पार्टी में, अपना उम्र बर्बाद कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपने गाड़ी में 100 रुपया का पेट्रोल डालकर वो जो है कि गांव-गांव में घूमकर स्वदेश भारतीय समाज पार्टी का संगठन बनाने का काम करता है, और वो व्यक्ति ये जान रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से विधायक हैं, और तो निश्चित रूप से हमारे ही गांव में काम हो रहा है, इंटरलॉकिंग का 250 मीटर का, लगभग 14 लाख की बजट का है वो विधायक कोटा से नेताजी के, तो उनके गांव में हो रहा है, शायद घरिया ग्राम सभा है, घरिया में हो रहा है, लेकिन उसका ऑडियो वायरल हो रहा है, जो आप जो बता रहे हैं उसका ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें धमकी बता रहे हैं वो जो है कि अब वहां पे उसके गांव में हो रहा है, जो सेक्टर अध्यक्ष हैं, घटिया किस्म का सामग्री इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या बताइए, उसको बोलने का अधिकार नहीं है क्या? जो पार्टी का नेता है, जहां गलत हो रहा है बोलने का अधिकार नहीं है? यही तो मुसीबत है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेताजी को, कि जब नेताजी को अपनी कोई दुख हो, कोई समस्या हो, चाहे कोई परेशानी होती है, या कोई जहाँ गलत देख लिया जाए बोल दो, तो उनको दुख होता है, तो आदमी ने बोलने का काम किया, और बोलने के बाद वहाँ से विवाद हुआ था। ये 27 तारीख को बीते दिन, 27 तारीख को डॉक्टर जयनाथ राजभर जी के बेटे का तिलक था जगदीशपुर में, वहाँ गए थे ये लोग निमंत्रण में जी। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे विधायक प्रतिनिधि जी सिंहासन राम और अन्य लोग उनके साथ ही सेक्टर प्रभारी से हाथापाई मारपीट का मामला आता है, ये लोग मारपीट करते हैं उससे, तो ये सेक्टर अध्यक्ष पार्टी का नेता है, उसको आप हाथ छोड़ने का काम कर रहे हो, मारने का काम कर रहे हो, ये काफ़ी निंदनीय है। उसके बाद ये लोग मारते पीटते हैं, तो बताओ उसका अधिकार नहीं है कि थाने पर जाएगा? वो थाने पर जाकर अपना तहरीर देता है, ये न्यूज के माध्यम से हमको पता चला, और जब तहरीर देता है तो नेताजी उसको फोन करके धमकियां देने का काम करते हैं कि आप किससे पूछकर तहरीर दिए हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो आपसे पूछकर मारे थे, जब आपका प्रतिनिधि, इसका मतलब कि पूछकर आपसे मारे थे, तभी नहीं ये पूछकर आपसे तहरीर देंगे? जब वो पूछकर जब मारे नहीं, तो आपसे बिना पूछे हुए तहरीर दे दिए, कौन सी गलती किए? जिसे आप बता रहे थे ओम प्रकाश राजभर को, कि क्या वजह है कि राजभर को एक आगे ले जाने की जो बात सोच रहे थे, वो राजभर ऐसे दल के लोग हैं जो उनके साथ जुड़ने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या न्याय हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है? ये अवधेश राजभर जो है बुरी तरह से उससे जो है एक पिछले दिनों में जो है फंस चुके थे, और उनसे निपटारा कैसे आप किए थे? देखिए, निपटारा इसमें करने कराने की बात नहीं है, बात यहाँ पे है कि अगर राजभर समाज का कोई तेज तरार नेता है, लड़का है, तो उसको ये लोग इग्नोर करते हैं, उसको तजुर्बा नहीं देते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, जो कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जब पार्टी बनाकर रसड़ा में आए थे, तो इन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि राजभर समाज के बेटा को हम लोग
जो है कि हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम राजभर समाज के बेटा को नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन आज तक बताइए कि राजभर समाज के बेटा को नेता बनाए हैं? अपने चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, अपने बेटा को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं, बाकी राजभर जाए भाड़ में। सन 2002 से पार्टी बनी, लेकिन आज तक एक ही बता दीजिए, कोई राजभर चुनाव लड़ा क्या? सपा ने इनको 18 सीट दिया, 18 सीट में एक सीट सपा ने फिर ले लिया, यानी उनके खाते में फिर चला गया, यानी 17 सीट में एक भी राजभर समाज का कोई लड़का चुनाव लड़ा क्या? एक भी राजभर समाज का नेता कोई चुनाव लड़ा? राजभर समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो 17 सीट था, 17 सीट में इन लोगों को छोड़कर, बाप बेटा को छोड़कर, आप बताइए कि कोई पार्टी का एक भी सदस्य है जो चुनाव लड़ा है? चुनाव वही लोग लड़े हैं जो पार्टी का एक दिन का भी सदस्य नहीं है। आप देख लीजिए, बेलथरा में हंसूराम जी हैं, ये आए हैं गोरखपुर से चलकर यहाँ विधायक बने हैं। यही बात है कि जो एक दिन का भी अगर इस पार्टी से जुड़ा व्यक्ति नहीं है, उसको जो है विधायक और कोई जो है टिकट देने का काम किया जाता है, लेकिन जो लगातार 10 वर्षों से जो चला आ रहा है व्यक्ति सुभाषपा पार्टी से जुड़कर, उसको जो है कोई पद और कोई जगह का जो टिकट कोई नहीं है, बस उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल करके जिस तरह से चाय में तेज पत्ता और चाय पत्ती डाली जाती है, उसी तरह से उसको इस्तेमाल करके गाल कर फेंक दिया जा रहा है, ठीक ना? वही तो 17 सीट में वही बता रहा था कि ये आए हैं कहाँ से, गोरखपुर से चुनाव लड़े हैं। यहाँ पे रामदहीन पासवान थे, दिनेश पासवान थे, उसी विधानसभा से जितेंद्र राम जी थे, जो समाज के लिए दीनदा चलते थे, पार्टी के लिए एक एक रुपया देकर गाड़ी में तेल डालने का काम करते थे, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। आप चले जाइए बेदी राम जी, यहाँ विधायक बने हुए हैं जखनिया में देख लीजिए, आप जखनिया में देख लीजिए, ये जौनपुर से आकर विधायक बने हैं। क्या हमारे कोई गाजीपुर में कोई नहीं था नेता वहाँ पे? यही है, पार्टी का कोई एक दिन का भी सदस्य नहीं है, लेकिन उसको चुनाव लड़ाया जाता है। एक ऑडियो जो वायरल हुई है, उसमें नेताजी स्पष्ट कर रहे हैं कि आपने तहरीर किससे पूछ कर दिया, उसको बोलने का चांस ही नहीं दिया जा रहा है, और उनके दबाव बनाया जा रहा है कि आपको एसपी से कहकर एफआईआर करवा दिया जाएगा, आपको जेल करवा दिया जाएगा। यही नेता का चरित्र है, जो समाज अपना भगवान मानती है, जो समाज अपना नेता मानता है, जो समाज अपना 10 रुपया देकर, चंदा देकर, गाड़ी घोड़ा कर करैलिया करता है, जो अपना खून पसीना बहाकर गांव-गांव में घूमकर संगठन बनाता है, उस कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, उसका अपमान करने का काम कर रहे हैं, ये काफी निंदनीय है। मैं वहाँ की जनता से कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को आप लोगों ने 2 बार विधायक बनाया, 2 बार सम्मान देने का काम किया है, और आपका नेता इस तरह से सम्मान दे रहा है, ये आप लोग विचार करने की जरूरत है कि जब आपका नेता इस तरह से आपके कार्यकर्ता के साथ, आपके भाई के साथ, अपने ब्रदर के साथ इस तरह से व्यवहार करता है कि उसको धमकी दिया जा रहा है, एसपी से कहकर आपके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, आपको जेल भिजवा दिया जाएगा, ये कहां तक सही है? एक अवधेश राजभर है जो लगातार एक विवाकी से अपनी बातें जो है जनता के बीच में रखने का काम किए, आज भी उन बातों के साथ इन्हें ऐसा किया गया कि आज जो है इनको पार्टी से निष्कासित करने के बाद जिस तरह से अब ये पार्टी जो है बीजेपी पार्टी से जो इनका एक आज जो नियुक्ति हुआ है उससे पार्टी से चल रहा है, लेकिन इनका मकसद यही है कि राजभर जो पिछड़े दल के लोग हैं उनके जो है हर एक न्याय, उनके हर एक सहयोग के लिए अवधेश राजभर दिन रात चलने का काम करेंगे और करते रहेंगे। देखिए, ये तो मैं स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी में था तभी आवाज़ उठाने का काम करता था, जब ये जिला पंचायत सदस्य का जब चुनाव हो रहा था तभी नेताजी ने जो एक दिन पार्टी का सदस्य नहीं उसको टिकट देने का काम किया, एक ही परिवार में 2-2 टिकट देने का काम किए, साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक ही वार्ड में 2-2 लोगों को टिकट देने का काम किए, इतना दिमाग ये लगाते हैं, और उसमें भी मैंने विरोध किया था, जब जब भी गलतियां होती है तब तब विरोध किया। लोग जानते होंगे कि अपने चुनाव लड़ने के लिए ये दिमाग से निकाल दीजिए, अच्छा आप दिमाग से निकाल दीजिए, हम चुनाव लड़ने के लिए कर रहा था, क्योंकि जहाँ 36 नंबर से हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था वहाँ से सीट हमारा ऐसी हो गया, हम न्यूटन हो गए थे, हमको चुनाव नहीं लड़ना था, और यहाँ नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो इसमें भी हमको चुनाव नहीं लड़ना था, अपनी पार्टी से हमने कहा कि प्रत्याशी तो नहीं दिए, यहाँ पे वशिष्ठ नारायण सोनी का ये लोग पैसा लेकर वोट मांगने का काम किए, मैंने विरोध किया कि क्यों वोट मांग रहे हैं, आप किस बेस में मांग रहे हैं, अगर आप बीजेपी से गठबंधन किए पूरे प्रदेश में तो मीडिया कॉन्फ्रेंस कीजिए, पूरा प्रदेश में नहीं है जिला में है तो मीडिया कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेटर जारी कीजिए, हम आपके साथ हैं, अगर आप नहीं किए हैं तो न्यूटन हो जाइए, ये लोग नहीं माने। इस एलर्जी में हमने भाई विनय शंकर जायसवाल को वोट भी कराने का काम किया यहाँ पे, और उनको जितवाने का भी काम किया। सुभाषपा से किस पद से आप थे? देखिए, हम यहाँ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जो है कि पूर्व जिला मीडिया प्रभारी सुभाषपा से। हाँ, अब जो बीजेपी से आपका अभी जो दामन पकड़े हैं जी, अब इस पार्टी से कौन सा पद मिला? देखिए, जो पार्टी पद देगी वो स्वीकार है। अच्छा, जो देगी वो स्वीकार है, बिल्कुल स्वागत है उसका। और क्या लगता है कि जो पिछड़े वर्ग के जो लोगों की समस्या है उन समस्याओं को आप किस तरह से निपटाने का काम करेंगे? देखिए, मैं पहले ही कहा था कि हमसे जुड़े हुए लोग हमारी पूंजी है, अगर हमारे हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर आफत भी आती है तो जितनी मेरे अंदर क्षमता है उतना मैं चलने का काम करूंगा, और उसके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा, और उसके लिए अधिकारी कर्मचारी से मिलकर निस्तारण करवाने का प्रयास करूंगा, और जहां तक संभव होगा
दस कदम चलने का भी काम करूंगा। मेरे यहाँ तो लोग दो दो बजे रात में फोन करते हैं, एक बजे फोन रात में फोन करते हैं तभी फोन उठ जाता है। मैं तो पूरे जनता से कहना चाहता हूँ, अपने राजभर समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, यानी कि अवधेश कुमार राजभर को एक बार ओम प्रकाश राजभर को फोन करके देखना, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में फोन करना, 2 बजे रात में फोन करना, देखिए कि ओम प्रकाश राजभर आपका फोन उठाता है कि अवधेश राजभर उठाता है। यानी कि जनता के लिए आप जो है यहाँ भी अगर कहीं धरना देना, जहाँ भी आपको लड़ना होगा वहाँ लड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में है कि अगर जनता का अधिकार कायदे से नहीं मिल रहा है तो धरना प्रदर्शन दिया जाता है, उस और अपने हक मांगा जाता है। लेकिन हमें अभी फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सरकार में हूँ, माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, माननीय अनिल यादव जी की अगुवाई में और बीजेपी की सरकार है, तो निश्चित रूप से अभी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और सबका काम हो रहा है और होगा भी। और जहाँ पे नहीं होगा, जिस जनता का, जो भाई का, जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा वहाँ पहुँचने का भी काम करूँगा। आपका मकसद क्या है अब? देखिए, मेरा मकसद है, हमसे जुड़े हुए लोग हमारी पूंजी हैं, पहले मैं बताया, और हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं हमारे परिवार हैं, और अपने परिवार को सुरक्षा करना और उसके दुख में सुख में शामिल रहना, यही मेरा मकसद है, यही मकसद है। और जो भी यहाँ, जैसे आप रसड़ा में तमाम तरह से जो है एक सुर्खियों में आए थे, अभी जो आप जोहराबाद की बात कर रहे थे कि वहाँ भी पहुँचना है, काफ़ी लोग हैं जिनसे मुलाकातें करना है, मुलाकात किस तरह से होगा, क्या उसका खुलासा करना चाहेंगे? देखिए, अब ये आगे पर्सनली होगा या फिर राजनीतिक तौर पर होगा? ये नहीं है जो पीली गमछी लगाया, मेरे मित्र नहीं है, हमारे भाई नहीं है, जो पीली गमछी लगाया है वो भी मित्र है। बड़ी बात तो ये है कि बावसीर सबको है लेकिन कोई बता नहीं रहा है, दुखी सभी लोग हैं लेकिन कोई डर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन मने मने सभी लोग अपने आप को कोसने का काम कर रहे हैं। और अवधेश कुमार राजभर से सबसे बात होती है और अवधेश कुमार राजभर से अपनी पीड़ा को लोग बताने का काम कर रहे हैं, और मैं व्यक्तिगत मिल भी रहा हूँ और आगे भी मिलने का काम करूँगा। और 10 तारीख को गाजीपुर में विजय दिवस, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की विजय दिवस मनाने हम लोग जा रहे हैं जोहराबाद में। जी जी, और वहाँ पे मुलाकात होगा। अच्छा, 10 को जो है विजय दिवस मनाने के लिए जोहराबाद विधानसभा में ये उपस्थित होंगे और वहाँ के जनता से मुलाकात करेंगे और साथ में जो है विजय दिवस मनाने का वहाँ का। देखिए, जोहराबाद में तो मैं कल ही से चला जाऊंगा, कल ही से चला जाऊंगा मैं 7 तारीख से जोहराबाद में। कल जाने का एक तैयारी क्या है? जैसे आप बता रहे कल ही से चले जाएंगे, कल से मैं कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री अनिल राजभर जी के साथ में मैं 3 दिन रहूंगा जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं होता है, और जहुराबाद में और गाजीपुर में हम रहकर उस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करूंगा। किस तरह का कार्यक्रम है, थोड़ा खुला सके? विजय दिवस है, विजय दिवस चक्रवर्ती सम्राट उसी के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस 10 जून को मनाया जाता है। उससे पहले आप लोग जनता से मुलाकात, उसके उपलक्ष्य में हम लोग मनाने का काम करेंगे, उससे पहले हम लोग जनता के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे हमारे नेताजी। चलिए, तमाम दर्शकों के बीच में आपने तमाम आज की जो एक नया अपडेट दिया, जो अभी हाल ही में आपसे मैंने बात किया, और अनिल राजभर से लगातार आपका मुलाकात जारी है और जनता के हर समस्याओं से आप जो है परिचित होते हैं और वो जो है अनिल राजभर से साझा कर रहे हैं, और लग रहा है कि जो है जनता के जो भी समस्या होगा वो समस्या का निवारण करने के लिए रात दिन आप निरंतर उनके साथ। देखिए, लग नहीं रहा है, हो रहा है मैं जितना भी दिया काम हो गया। अच्छा, आपको बता दूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो मुखिया हैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, ये समाज के बीच में एक रीमर फैला दिए हैं, रीमर फैला दिए, वायरस जिसको कहा जाता है ना कि अनिल राजभर जो है कि बीजेपी के लोडर है, और ये इसलिए बोले हैं कि ये खुद लोडर पैदा करते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ये तो बोलते हैं कि सभी लोडर हैं, और नहीं, ये इसलिए बोलते हैं कि हमको कोई नहीं कह पाएगा। अच्छा, हमको कोई नहीं कह पाएगा, इसलिए हम पहले बोल दें, इसलिए नहीं बोलते हैं, ताकि आपको बता दें कि मेरे जैसे ईमानदार व्यक्ति रसड़ा की एक एक जनता जानती है, रसड़ा विधानसभा की जनता की जानती है, अपने समाज के लोग, कि अवधेश राजभर ईमानदार और अच्छा लड़का है, इसका जब कद्र नहीं, इसकी जब बात, जब सही बात, जब आवाज़ उठाने का काम करता है तो उनको मिर्ची की तरह लगता है, तो बताइए, ये लोडर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो हमारे राजभर समाज के लोग हैं सिर्फ दरी बिछाएं, झंडा ढोएं, चंदा काटें और हमारा रैलियाँ कराएं, और हम जो है कि मंत्री बने, हमारे बेटा मंत्री बने, इनका ये सपना है, तो ये लोडर खुद पैदा करना चाहते हैं। तो मैं राजभर समाज से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपके दिमाग में ये चल रहा है कि माने अनिल राजभर जी एक लोडर हैं, ये समाज के लिए नहीं है, ये तोड़ने का काम करते हैं, तो ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए। जब से मैं मिला हूँ कभी नेताजी ये नहीं कहे अनिल राजभर जी कि अपने समाज में जाकर गलत रिमर फैलाओ और तोड़ने का काम करो, ये एक चीज़ जरूर कहते हैं कि भाई अवधेश भाई अपने क्षेत्र में जाओ, जो समस्या है हमसे अवगत कराओ, हम लोग मिलजुल कर उसको समाधान करने का काम करेंगे। ऐसा नेता जो हाईवे पर गाड़ी रोककर हमारी और हमारे क्षेत्र की समस्या को सुनने का काम करता है, मैं तो ऐसे नेता का स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ अपने पूरे रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से, पूरे जनपद से, और साथ ही साथ अपने पूरे राजभर समाज की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं ऐसे नेता को। तो आज जो हाईवे पर रोककर अपने गाड़ी से उतर कर अकेले में जाकर पुलिया के नीचे हम लोगों से वहीं पे हम लोग से बात करता है, और वो पेपर पे अधिकारियों को आदेश करता है निस्तारण हेतु, और अधिकारी को फोन करता है, ऐसे नेता का स्वागत होना चाहिए। और ये लोग कहते हैं कैसे हैं वैसे हैं, ये गलत बस विचार। चलिए, एक सवाल आखिरी करना चाहूँगा, 2024 को लेकर क्या तैयारियाँ आप लोग की रहेगी?
देखिए तैयारी तो भाई सभी पार्टियां जोर शोर में कर रही है, हम भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, जोर शोर में करेंगे और रात दिन चलने का काम करेंगे भाई। जो जो सरकार का जो मिशन है, जो उद्देश्य है, जनता के बीच में जाकर बताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से ये रहेगा कि फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से स्थापित हों। चलिए इन्हीं बातों के साथ में खास अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। इस वक्त के लिए भी न्यूज़ इंडिया के साथ नमस्कार।